हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आईटीआई के प्रोवाइड किए जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो इस वीडियो में दोस्तों, आईटीआई से संबंधित जो लोग इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर से संबंधित मैंने कई क्वेश्चन प्रोवाइड किया है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, एक ट्रांसफार्मर का परिणाम अनुपात आर 12.5 है। यदि इसकी प्राथमिक कुंडलन को 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा की मेन लाइन से जोड़ दें तो द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों। और ऐसे सवालों को आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप देख लीजिए कि आपके दिया क्या है। यहाँ पर आर दे दिया है, ठीक है, सिंपली मैंने लिख दिया कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों लिख देते हैं हम हल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको दे दिया है आर, कितना दिया है दोस्तों 12.5 वोल्ट। ठीक है, और ये आपका ये 220, ये 220 किया दिया है तो ये दिया है VP। ठीक है, प्राथमिक कुंडलन VP ये दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और दोस्तों आपसे पूछ क्या रहा है कि द्वितीय कुंडली में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात कीजिए। द्वितीय कुंडली मतलब VS, ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको एक सूत्र बता देता हूँ, इसी सूत्र से आपको ज्ञात करना है। जैसे इसका सूत्र होता है VS/VP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू R। जैसे मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर इसका सूत्र होता है दोस्तों, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको जब भी आप लगाएंगे या मेरी वीडियो देखेंगे तो आप इस सूत्र को एक बार जरूर दोहराएंगे ताकि आपको याद रहे। VS/VP, सॉरी यहाँ पर NP रहेगा, NP इजकल टू R, ये हो गया दोस्तों आपका सूत्र। ठीक है, और इसी सूत्र के अनुसार हमको सवाल को लगाना है। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने YouTube सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं और आसानी से देख सकते हैं। तो इसी सूत्र से हम दोस्तों ज्ञात करेंगे। पहले दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर द्वितीय कुंडली के बीचों की सीरी बीज का इसका विभवांतर पहले निकालेंगे। यहाँ पर VS बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमको ज्ञात करना है VS, तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे इसको, तो इसका VS बराबर हो जाएगा दोस्तों, VS बराबर R गुड़े VP। ठीक है, अब दोस्तों हमको इसी सूत्र पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा R का मान कितना दिया है 12.5 गुणे VP का मान है 220 वोल्ट। अब फटाफट गुणा कीजिए दोस्तों, कितना आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों कितना 2750, और किस में आएगा, तो ये आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रिशियन के सवाल आप दोस्तों पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको इसी बहुत सारे वीडियो प्राप्त हो सके। मैंने बहुत सारे ITI इलेक्ट्रीशियन से संबंधित वीडियो अपलोड किए हैं YouTube पर, तो आप मेरा प्रोफाइल भी देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब दोस्तों आपको लेके चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो ट्रांसफार्मर से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कवर किया है। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या 50 गुनी है। प्राथमिक कुंडलन पर 300 वोल्ट का प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित करने से द्वितीय कुंडली में कितना विभवांतर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम उसी सूत्र से लगाएंगे दोस्तों जैसे मैंने आपको ऊपर सूत्र बताया है। पहले आप ध्यान रखिए कि इसमें आपको दिया क्या है, तो इसमें भी आपको दिया है VP। ठीक है, VP दे दिया है दोस्तों 300, 300 वोल्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया है 300 वोल्ट, और आपका क्या दिया है NP, NP दिया है दोस्तों कितना 50 NS, अर्थात चक्रों की ये संख्या है। और आपसे पूछ क्या रहा है, भी पूछ रहा है अर्थात विभवांतर आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, आप वही सूत्र का प्रयोग करेंगे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको VS बराबर VP गुणे NS/NP से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस सूत्र का आप प्रयोग करके आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हम इसी प्रकार रखेंगे, यहाँ पर पी का मान रखेंगे दोस्तों, वी पी का मान रखेंगे, यहाँ पर वी पी रहेगा, ठीक है, वी पी का मान रखेंगे। तो वी पी 300 दिया गया है, तो 300 यहाँ पर हम सिंपली लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन एस का मान नहीं दिया तो हम एक रख लेते हैं, और एन पी का मान दिया है 50, ठीक है। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 6, 6, और ये इसका मात्रक हो जाएगा बोल्ट, तो ये आ जाएगा 6 बोल्ट। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो आपको हमारा कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का थोड़ा क्वालिटी वो है, लो है, तो आप क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।